तो क्वेश्चन नंबर टू के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इसके अंदर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए आप। ये सिंबल जो होता है हमेशा 90 डिग्री का होता है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री। तो जब ये 90 है तो एक्स भी कितना होगा, एक्स बराबर 90 डिग्री। क्यों, जब भी कोई दो लाइन जो सीधी है, एकदम स्ट्रेट लाइन है, वो एक दूसरे को कट करती है तो उनके आमने सामने वाले अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये 120 है तो ये भी 120 डिग्री, ये 30 है तो ये भी, ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री ही होगा। अच्छा, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, इन कोणों को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, इनका मान बराबर होता है। अच्छा, जब हमारा x की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री आ गई तो ये ट्राइंगल बन रहा है, आप देख सकते हैं ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के लिए हमें क्या करना है, त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म लिखना है। त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म का मतलब यहां पे हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री। तो हमने x की वैल्यू 90 डिग्री निकाली अभी और y की पता नहीं है, 30 डिग्री ये है बराबर 180 डिग्री। y को यहीं रखेंगे, 9 × 3 = 120 डिग्री हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। y को भी यहीं रखेंगे, 180 डिग्री को भी यहीं, 120 को यहां ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 60 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 60 डिग्री आ गई है यहां पे। अब 60 डिग्री के हिसाब से आगे देखते हैं कि जो y की वैल्यू 60 है, x की वैल्यू हमने निकाल ली, आप यहां देख सकते हैं x की भी फाइंड आउट होगी y की भी, तो z की वैल्यू क्या होगी, तो यहां लिखने वाला हूं मैं z बराबर y, क्योंकि आप देखें a यहां पे क्या बन रहा है, दो पैरेलल, ये लाइन ये इस लाइन के पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा एकांतर अंत्यकोण। तो y की वैल्यू कितनी निकाली, 60, और यहां लिख देंगे एकांतर अंत्यकोण, एकांतर अंत्यकोण बराबर होते हैं। ये आप इसके नीचे लिख लीजिएगा,